नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी क्यों बनाई? जब बहुजनों के पास पहले से ही कई सामाजिक संगठन थे तो भीम आर्मी की स्थापना किस लिए की गई? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भीम आर्मी की स्थापना 2015 में चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह और सतीश कुमार जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2015 में भीम आर्मी का संगठन बनाया। आपको बता दें कि भीम आर्मी संगठन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, जातिगत उत्पीड़न का विरोध करना और आपको बता दें कि अपने बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार की आवाज़ उठाकर उन्हें न्याय दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले भीम आर्मी चर्चा में जब आई, जब आपको बता दें कि भीम आर्मी ने AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों के साथ हुए जातिगत भेदभाव और आपको बता दें कि छुआछूत की रिपोर्ट के मामले में दलित छात्रों की रक्षा करने में मदद की। इसके बाद आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ठाकरों के द्वारा दलित दूल्हे की घोड़ी न चढ़ने पर भी आपको बता दें कि दलित दूल्हे को पीटने से बचाया। इसके बाद आपको बता दें कई ऐसी घटनाएँ हुई जिनके बाद आपको बता दें कि भीम आर्मी संगठन उभर कर सामने आया, लोगों तक पहुँचा, जिनमें आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने अच्छा धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि चाहे वो संत रविदास मंदिर की घटना हो, चाहे आपको बता दें कि जामा मस्जिद पर NRC और CAA का मामला हो, तमाम मामलों में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बखूबी अपनी बात रखी। और ऐसे ही ऐसे आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी दुनिया भर में और देश भर में पहचानने लगे लोग। आपको बता दें कि पिछले साल ही उनका टाइम मैगजीन में 100 उभरते हुए नेताओं में नाम शामिल किया गया था, जिसमें से वो भारत के इकलौते नेता थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी के बाद अपनी एक पार्टी बनाई 2020 में, आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन यह पार्टी उन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी में शामिल होकर काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके नेताओं ने, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने उनकी एक ना सुनी और इसी से हताश होकर 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर ने आज़ाद ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी ने इसी वर्ष हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बखूबी चुनाव लड़ा, अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आपको बता दें कि पहला जो चुनाव होता है किसी भी पार्टी का, वो हार ही जाती है। आगे चंद्रशेखर आज़ाद मेहनत करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। आपको बता दें कि अगर बहुजन समाज पर इस समय किसी भी प्रकार की अन्य अत्याचार की घटना होती है तो तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।